पहला किसान है संतोष जी, जो आपको बताएंगे गोपालन के बारे में, कितनी गाय है इनके पास और कितना लीटर दूध उत्पादन हो जाता है, एक एक गाय के बारे में आपको बताएंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपकी जो ये गोमाता है, बूढ़ी गोमाता, कितनी बार बच्चे को जन्म दे चुकी है? वो 7 बार। 7 बार दे चुकी है। हाँ। तो लगभग कितने लीटर दूध उत्पादन निकाल देती है प्रतिदिन का ये? वो 10 लीटर टाइम का देती है। 10 लीटर टाइम का निकाल देती है। वाह जी वाह। और अभी कितने दिन की ब्याई होगी ये? वो 3-4 दिन की। 4 दिन की ब्याई होगी। हाँ। नीचे बछड़ा था इसके? बछड़ी बछड़ी है। बछड़ी है। क्या प्रॉब्लम हो गई थी बछड़ी को, क्यों मर गई? बीमार हो गई थी या फिर कैसे? बीमार हो गई थी। बीमार हो गई थी। हाँ। तो फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया उसका? दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुई दिखाने से। ये देखिए आप, गिर नस्ल की गोमाता, अभी भी दूध टपक रहा। सुबह भी आपने खाली किया होगा इसका दूध? कर दिया ना, एक बार खाली। और दिन में भी करोगे? अब दिन में भी करेंगे, फिर शाम को भी करोगे, फिर शाम को करेंगे। ये देखिए आप, जो काफी मोटे मोटे थन है, ये देखिए आप, थनों हाथ में थन आएंगे नहीं, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे थन है। हालांकि इसको जो बाई आई हुई है, बादी आई हुई है, थोड़ा सा बाई बादी की वजह से इसका ड्रेस हुआ है, गाय से चला भी नहीं जा रहा। ये देखिए आप, एक और जो गिर नस्ल की जो गाय है, ये देखिए आप, काफी बड़े बड़े मोटे मोटे थनों वाली, जो काफी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता वाली यहाँ पर ये गाय है। तो ये गाय है पीछे। हाँ। ये कितने लीटर दूध की है और कौन सी बार बच्चे को जन्म देगी? अब वो 6-7 बार दे दिया जन्म बच्चे को। कितना लीटर दूध निकाल कर दिखा देती है? वो 12 लीटर दूध निकलता टाइम का। टाइम का 12 लीटर। हाँ। तो 24 किलो दूध दोनों टाइम का। हाँ। वाह जी वाह। कितना समय रहता है ब्याने का? उसको 1 महीने छोड़ते हैं और 1 महीने बाद पच ब्याह जाती है। पच ब्याह जाती है। तो अब 15 दिन में ब्याह जाएगी या 20 दिन में? खुद नहीं डाकती, हम भी छोड़ते हैं उसको। आप ही छोड़ते हो। हाँ। जब आपने दूध से इसको छोड़ा था। हाँ। अब कितने किलो दूध दे रही थी लास्ट में ये? 2 किलो दूध निसरता था उसको, टाइम का 2 किलो। हाँ। तो 4 किलो दूध से आपने इसको ट्राई किया है? छोड़ दिया ना इसको, ब्याने वाली है, महीना खंड में तो ब्याह जाएगी। तो महीने में ब्याह जाएगी। और छोड़े हुए कितने दिन हुए हैं? 5-10 दिन को। नोयाल 10 दिन हुए छोड़े हुए। ये देखिए आप, ये होती हैं जो गाय दूध देने वाली। तो भारतीय नस्ल की गाय भी HF या अमेरिकन गायों से कम नहीं है दूध उत्पादन क्षमता में। तो आपका जो पीछे नंदी है, इस नंदी को कहाँ से लेकर आए आप? गुजरात से। गुजरात से लेकर आए। हाँ। तो क्या कुछ देख कर लाए, क्या विशेषताएं लगी आपको, इस नंदी को ही क्यों खरीद के लाए? उसको रिंडे से सेंग है उसको, और बढ़िया अच्छी तरह से गिर नस्ल के बछड़ा देता है, वो अच्छा बैठता है, करेक्टर अच्छे हैं इसके। हाँ। तो कितना लीटर दूध उत्पादन है इसकी माँ का? वो 20-25 लीटर दूध देते हैं उस टाइम का, दोनों टाइम का 20 से 25 लीटर। हाँ। ठीक है, यानी कि अच्छा जो दूध उत्पादन देखकर ही आप इसको लेकर। हाँ। ठीक है। तो आप और नस्ल अच्छी होती है। जी जी। तो आपके पास तकरीबन कितने गोवंश हैं, कितनी गाय हैं, छोटी बड़ी कुल मिला के? छोटी मोटी तो 30 गाय हैं छोटी बड़ी मिला के। तो आप इनका सारा काम अकेले कर लेते हो? अकेले वो रख लेते हैं, और आदमी काम करने के लिए हमसे होता है, जो हम कर लेते हैं। एक जो सेवक रख रखा है, और आप जो काम करने के लिए आप हैं, पीछे माताजी भी हैं। हाँ। वो भी जो पूरा जो परिवार मिलजुल कर काम करता है। हाँ। जैसे भैंस आपके पास थोड़ी है लेकिन गाय ज्यादा है। हाँ। तो आपने गाय पालन को ही क्यों चुना, आपने इतनी गाय क्यों रखी, क्या फायदे हैं आपके हिसाब से गाय? गाय को फायदा देती है हमारे को गाय। जैसे क्या क्या फायदे देती है? सब देती है, बहुत खाने पीने में सब गाय को फायदा मिलता है हमारा। तो गाय का दूध पीते हो तो आप स्वस्थ रहते हो? हाँ, गाय की छाछ, गाय का दूध, सब खान पीन गाय का ही है हमारे, मांस को नहीं खाते। जी जी जी। तो आप क्या क्या खिलाते हो गायों को? गाय को वो चारा वारा खिला देते हैं, रज का बंटा सब खड़ खिलाते हैं, काकड़ा खिलाते हैं। तो तोल के खिलाते हो या ऐसे ही खिला देते हो? ऐसे ही खिलाते हैं हम तो। अच्छा, ऐसे ही खिलाते हो। हाँ। तो हालांकि जो शरीर देखा जा सकता है, बिल्कुल हट्टी कट्टी स्वस्थ ही गाय दिखाई दे रही हैं। जो एक या दो ही गाय कमजोर हैं, एक तो वहाँ पर जो बूढ़ी माई है वो, और एक यहाँ पर ये गाय थोड़ी सी कमजोर, इतनी क्यों रह गई है? उसका कोई चढ़ने में पसीने में वो कोई आटा पड़ा हुआ है ना शरीर में, इसलिए वो खान पीन तो खिलाते हैं उनको, बड़ी वो ताकत नहीं देती है इसको। जी जी जी। तो खाया पिया नहीं लगता, जो डाइजेशन सिस्टम है ये कमजोर है, कमजोर है उसको। जी जी। आपके जो बछड़े बछड़िया हैं काफी हष्टपुष्ट हैं, तो इनको आप कितना दूध पिलाते हो और क्या क्या खिलाते हो? हम पैदा होने से पहले 2 महीने थी तो उसको बांधते नहीं है, 2 महीने तक खुला रहता है, खुला ही रहता है, वो चूक लेते हैं। दिन में भी चूकता है तो दिन में चूक लेते, शाम सुबह चूक लेते, हम एक कील ही नहीं काटते। अच्छा। और ये दाब के बैठ जाता है तो फिर बाकी बच जाता है तो काट लेते, नहीं काटते तो चूक लेते दाब के। जी जी जी। वाह जी वाह। तो
तो भरपेट इनको दूध पिलाया जाता है, बाद में दो थनों का तो पिला ही पिलाया जाता है। दो थनों को तो फिर एक 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 बुबा को तो काटते ही नहीं है, बड़ा हो जाता है, अब भी देता है ना, जब भी नहीं काटते बिल्कुल लास्ट तक। हाँ। एक बुबा तो चुंगेगा चुकेगा। हाँ, तो बिल्कुल लास्ट तक एक थन तो पिलाया ही जाता है। हाँ। तो तकरीबन कितने कितने महीने की बछड़िया है ये? वो 12 महीने की 15 महीने की 12 महीने की 15 महीने की 8 महीने की 7 महीने की, ऐसा ही। इतनी कम उम्र में भी इतना जो स्वस्थ शरीर है, काफी जो बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो ये सब असर जो अच्छे खिलाने पिलाने का है, भरपेट दूध पिलाने का है। तो आप जैसे कोई बछड़ा जन्म लेता है, उस बछड़े का क्या करते हो? बछड़े का तो हमारे अच्छा बछड़ा होता है, अच्छे वाले दूध वाले गाय का अच्छा बछड़ा होता है जी। तो हमारा तो हमारे को पहले आग लगे ऑर्डर आ जाता है उसका जी जी, मैं ले जाऊंगा वो, मैं ले जाऊंगा वो, नस्ल संवर्धन के लिए, बस नस्ल कर पालने के लिए, पालने के लिए। हाँ, सांड बनाने के लिए। तो ये देखिए, अगर आप अच्छी नस्ल की जो गाय रखते हो, तो ये फायदा भी है कि अगर आपकी गाय दुधारू है, तो उसके बछड़े को आपको गौशाला में नहीं छोड़ना पड़ेगा, सड़कों पे बेसारा नहीं घूमेगा वो। हाँ। उसको हम जो अच्छा नंदी बनाने के लिए, अच्छा सांड बनाने के लिए किसी ब्रीडर को दे सकते हैं। लेकिन हमारे बछड़ा होता है कम है, बछड़ी ज्यादा होती है, बछड़िया ज्यादा, पर फिर भी मेरा अगल अगल ऑर्डर जाता है उसका, बछड़ा हो तो हमारे को भेजना, बछड़ा हो तो हमारे को देना। यही गोपालन बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है। अगर गाय कम दूध वाली हो और वो बछड़ा लेकर आती है, तो वो बछड़ा परेशान ही होता है, उसका जीवन जो गौशालाओं में बीतता है या सड़कों पर थैलियां खाता घूमता है। तो ये समस्याएं जो कम फुर्तीली गाय होती हैं, उनमें ज़रूर देखने को मिलती है। जैसे हरियाणा नस्ल या नागौरी नस्ल, अगर वो बछड़ा लेकर आती है, तो उसका बैल बन जाता है, क्योंकि उसमें क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर गिर या साहिवाल गाय बछड़ा लेकर आती है, तो उस बछड़े को हम बैल नहीं बना सकते, वो बेचारा सड़कों पर ही ऐसे घूमेगा या फिर गौशालाओं में छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत, यहाँ पर अगर आप अच्छी दूध वाली गाय रखते हो, तो उन बछड़ों की आपकी जो एडवांस में बुकिंग रहती है, वो बछड़े नस्ल संवर्धन के लिए लोग आपसे ले लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी।